हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, मेरा नाम है मानशु, आप देख रहे हो पावर हाउस इफेक्ट। लेट्स टॉक सिनेमा। भंगड़ा पाले का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसमें है सनी कौशल जो विक्की कौशल के भाई हैं, रुक्षा ढिल्लों जो डेब्यू कर रही हैं इस मूवी के साथ, और श्रेया पिलगांवकर जो सचिन और सुप्रिया पिलगांवकर की बेटी हैं, जिन्हें आपने मिर्जापुर में भी देखा होगा अली फैजल के साथ थी। ट्रेलर रिलीज हो चुका है, ये एक डांस मूवी है और रॉनी स्क्रूवाला सर ने बोला है कि अगर ये मूवी सक्सेसफुल हो जाती है तो इसे एक फ्रेंचाइज में कन्वर्ट किया जाएगा, जस्ट लाइक ABCD। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रेलर और फिर मैं बताता हूँ मेरा क्या ओपिनियन है इस मूवी के बारे में। ऐ भंगड़ा है जनाब, पंजाब ते पंजाबियों की शान। जब भंगड़े की धमाले पड़ती है ना तो अपने आप ही जोश आ जाता है, खून उबाले मारने लगता है जी। बापू कहता है कि लोग भांगड़ा सीखते हैं, हमारे तो खून में। कर गल पे गौर जरा, सुन ले तो। तेरी बेटी से बेटर भांगड़ा पंजाब तो क्या, पूरी वर्ल्ड में कोई नहीं। तू खालसा से? जीतेगा भाई जीतेगा, खालसा वाले जीतेगा। ऐसे कैसे जीतेगा भाई, दुश्मन हो तुम हमारे। तो कुड़ी ना बड़ी स्वीट है, बस गलत साइड पे। तुम्हारा क्यूट है यार, पर ऑपोजिशन में है ना। मेरे और मेरे जीतने के सपने के बीच में ना कोई नहीं आ सकता। ना पापू को, ना कप्तान को, फैमिली में किसी को वो इज्जत नहीं मिली है। ये कंपटीशन ही एक तरीका था दुनिया को बताने का कि भांगड़ा हम सब के लिए क्या है, कप्तान के लिए क्या था। सपनों के लिए अपनों को नहीं छोड़ते हैं। तुझे एक बार नहीं, हर बार मैं ही हराऊंगी। तो देखती जा, मैं लंदन में तुझे पूरी दुनिया के सामने हराऊंगा। रंग कदी नहीं पाया, पाके नहीं अजमाया। रंग कदी नहीं पाया, पाके नहीं अजमाया। पेंडू क्लब नाम कुछ देसी नहीं है? भंगड़ा डांस ही देसियों का, शहर में तो बाद में है। आज काला जोड़ा पाया साडी फरमाइश ते, आज काला जोड़ा पाया साडी फरमाइश ते। कसके मेहनत की और बन गई सबसे बेस्ट भांगड़ा डांसर, सबसे बेस्ट फीमेल भांगड़ा डांसर। So let me get this straight. दो एरा बताए गए हैं, दोनों में सनी कौशल है, दोनों में भांगड़ा है, दो अलग अलग एरा की लव स्टोरी है। एक में है रुक्षा ढिल्लों और एक में है श्रेया पिलगांवकर। कंटेंट वाइज मूवी बहुत ही गजब लग रही है, भांगड़ा को बिल्कुल वर्ल्ड लेवल पर ले जाया गया है इस मूवी में, ऐसा दिखाया गया। और जिस तरह से मूवी रिलीज होगी, RSVP ने इस साल काफ़ी राइट चॉइसेस किए हैं, जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, जिसमें विक्की कौशल इन्हीं के भाई थे, और अब नवंबर में भंगड़ा पाले। RSVP बहुत ही अच्छा काम कर रहा है इस साल, तो बहुत ही गजब का काम किया है उन्होंने। स्टोरी इस मूवी की अच्छी है, आई थिंक सनी कौशल उन्हीं के फादर भी प्ले कर रहे हैं मूवी में, दो डिफरेंट एरा है। एक बस एक जो कन्फ्यूजन है मुझे, वो ऐसा है कि क्या वो लव आजकल जैसी कंटिन्यूइंग एरा होगा, साथ में चलती होगी, कि पहले वो कहानी बताई जाएगी फिर नई कहानी बताई जाएगी, वो देखना होगा। स्नेहा तौरानी ने ये मूवी डायरेक्ट की है, टिप्स की मूवी है, 1st of November की मूवी रिलीज है। उसी दिन बायपास रोड भी रिलीज होगी, जिसका ट्रेलर रिएक्शन मैं इस वीडियो के बाद लाऊंगा। रुक्षा ढिल्लों भी बहुत अच्छी लग रही हैं एज एन एक्टर, और डांसर भी अच्छी लग रही हैं। सनी कौशल बहुत अच्छे एक्टर हैं, आपने उन्हें चुकिया गिरी एक वेब सीरीज थी उसमें देखा होगा, या गोल्ड मूवी थी, गोल्ड मूवी में एक सरदार जी जो हॉकी प्लेयर रहते हैं वो सनी कौशल ही थे। तो काफ़ी अच्छे एक्टर हैं सनी कौशल भी। ये मूवी बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है, और अगर लोगों ने अपना प्यार दिया तो ये भी फ्रेंचाइज में कन्वर्ट हो जाएगी, जस्ट लाइक ABCD। ओनली बैड थिंग इज भंगड़ा पाले का रिक्रिएशन। अगर भंगड़ा पाले
कुछ और सॉन्ग रख लिया होता तो आई थिंक बेटर होता। मेरे लिए भंगड़ा पाले इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग। शाहरुख सर एंड सलमान सर दोनों एक साथ थे, कितना गजब होता। जस्ट थिंक अबाउट इट कि इस मूवी में शाहरुख सर और सलमान सर का कैमियो होता इस गाने पर, बहुत गजब का होता। बट नहीं हो पाएगा इतना, आई डोंट थिंक ऐसा पॉसिबल है। आप किसी अवार्ड फंक्शन में रिक्रिएट करवा सकते हैं। स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग तीनों धीरज रत्तान ने लिखे हैं और अच्छी लग रही है। स्टोरी वाइज तो बहुत अच्छी लग रही है। जब फिल्म रिलीज होगी 1 नवंबर को आउट होगी, तब पता चलेगा एग्जैक्टली कि मूवी सच में दमदार है या नहीं। ट्रेलर से तो दमदार लग रही है। प्रिया पलगांवकर का रोल आई थिंक छोटा होगा एज कम्पेयर्ड बाकी दो एक्टर्स। सनी कौशल तो पूरी मूवी में दोनों एरा में है। रुक्षा ढिल्लों का रोल आई थिंक ज़्यादा होगा इस एरा को, जो प्रेजेंट एरा है उसको ज़्यादा बताया जाएगा। क्या कनेक्टिविटी है पुराने एरा से, वो मुझे बस एक ही चीज़ समझ में आई कि भांगड़ा है कनेक्टिविटी। ये भी जो सनी कौशल का कैरेक्टर है, उनके फादर भी भांगड़ा, वो भी भांगड़ा डांस फॉर्म को वर्ल्ड लेवल पे ले जाना चाहते हो, लेकिन वो आर्मी ज्वाइन करते हैं, वहाँ पे मर जाते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है जिस तरह से ट्रेलर में दिख रहा है। सनी कौशल अपने फादर की ड्रीम पूरी करने के लिए भांगड़ा कर रहे हैं। अब जो भी है, ज़्यादा स्पॉइल नहीं करूँगा, जो मुझे समझ में आया वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। तो मार्क योर कैलेंडर्स, 1 नवंबर को मूवी रिलीज होने वाली है और उसका रिव्यू इसी चैनल पर आएगा, तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा देना। और अगर मेरा रिएक्शन पसंद आया तो लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ, अपना ख्याल रखो, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखो, जानवरों का ख्याल रखो, एनवायरनमेंट का ख्याल रखो। जय हिंद, जय सिनेमा।